नमस्ते, सत श्री अकाल यार, स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। तो अभी मैं हूँ टिकट ऑफिस में। ये तिमोर टूर एंड ट्रैवल का ऑफिस है भाई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये भाई बस सर्विस है इनकी तिमोर लेस्ते तरफ की बॉर्डर पे। तो आज का सफ़र होने वाला है हमारा बॉर्डर की तरफ का। इसकी बहुत एक ज़बरदस्त कहानी बनेगी इस वीडियो में, वो मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। तो अभी मैं टिकट बुक करवा रही हूँ और उसके बाद चलते हैं भाई। सिर्फ 10-15 मिनट में गाड़ी चल देगी बॉर्डर की तरफ। तो नवी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अभी यार मैं हूँ कुपांग में, सॉरी मैं बताना भूल गई, कुपांग आ रखी थी मैं, और तबीयत ख़राब है जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा। बट आज थोड़ी हिम्मत आई है तो चलते हैं कहीं पर। और यहाँ पे बस टिकट बुक कर रही हूँ मैं और कुछ नहीं। थैंक यू यार। तो टिकट का प्राइस है कितना, 1,40,000 रुपये है। बट यहाँ नहीं लिखा हुआ इन्होंने, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका प्राइस है इंडोनेशिया के 1,40,000। हेलो, हाउ आर यू टुडे? गुड। व्हाट्स योर नेम? उमर। Umar. Yes. Oh yeah. Here it's written. Hi. Hello. Hello. You from Kupang? Atambua. Atambua. Yes. Okay. And you? Kupang. Kupang. Hello. Hello. He Kupang. And. Kupang. My Kupang. Friend is okay. From Kupang, and then this is. Okay. Messer Mingus from Atambua. Atambua also. Yes. Okay. You want to the border? Yeah, or I want to go to Timor Leste. Oh. Yeah. So say bye. Okay, see you next time. सफर हमारा चल रहा है एंड बस ये भी तो ढाबे पे रुकी है, लेकिन कुछ वेजिटेरियन खाना नहीं है इधर, तो हम कुछ नहीं खा रहे हैं। तो भाई अब हमने जावा और बाली क्रॉस कर लिया है, हम आ गए तिमोर वाली साइड, नूसा तेंगारा इस रीजन में। तो ये आइलैंड का बेल्ट है, कुछ लोग इसको ईस्ट तेंगारा का भी पार्ट मानते हैं। बट आप इसको वेस्ट तिमोर बोल सकते हैं, और जो तिमोर लेस्ते दूसरा देश है उसको हम ईस्ट तिमोर बोलते हैं। तो ये भाई इधर पहाड़ी इलाका है, स्काई देखिए आप कितना नीला दिख रहा है, बहुत खूबसूरत। और मैं यार यहाँ पे फल फ्रूट खरीदने के लिए आ रखी थी। हेलो, दिस नेम स्पुलू। स्पुलू? या स्पुलू। ईटिंग? या ईटिंग। ओ स्पुलू। ओके ओके टुगेदर। ओके वेरी नाइस। ओके तो यार पान जैसा है। हाँ, व्हाट यू आर नेम? माय नेम यस गरिमा। ऑफ इंडिया? इंडिया यस। गुड गुड गुड। यू नो इंडिया? नो 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 इंडिया। You know India? Tidak, tidak. Bollywood, Shahrukh Khan, kuch kuch hota hai. No? No, no. No? Okay. Okay. No problem. तो यार यहाँ पे फल फ्रूट मिल रहे हैं भाई, संतरा है, गुआवा है, और ये इन्होंने आपको बताया नाम मैं भूल गई हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये पान जैसा है इनका, ये लोग खाते हैं भाई, लड़की लोग लड़का लोग सबको ही चबाते हैं यहाँ पे। तो एंड मैंने अमरूद खरीदे हैं इंडोनेशिया के, 10,000 रुपए के मिले भाई अमरूद। ये जानते हैं वैसे इंडिया ये। तो यार अब गाड़ी में बैठ के भाई अमरूद खा रही हूँ मैं। वैसे पहले मैंने एक खा लिया, तो कीड़ा तो नहीं है अमरूद में, बट इतनी मिठास नहीं है। तो ये चिट्टे वाले अमरूद हैं यार, पिंक वाले नहीं हैं, बट इतनी मिठास नहीं है, लेकिन सही है। और सामने रेस्टोरेंट है, ये कुछ बनाना भी पड़े हुए हैं भाई। एंड कुपांग में बहुत गर्मी थी यार, यहाँ पहाड़ी इलाका है आइलैंड पे, तो यहाँ पे ठंडा है थोड़ा मौसम, तो इधर थोड़ा सा मौसम ठंडा है।
तो भाई बस से हम उतरे एंड अभी अगर सब ठीक रहा तो हम यार नवी कंट्री में क्रॉस कर देंगे। तो ये खुशखबरी है, फाइनली 2 महीने बाद कंट्री बदलेंगे हम। अभी मैं इंडोनेशिया में हूँ, इंडोनेशिया के वेस्ट तिमोर में। तो यहाँ पे यार बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है बॉर्डर पे। मुझे लगा था छोटा मोटा बॉर्डर होएगा, बट ऐसा नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है। पार्किंग फैसिलिटी, एटीएम से अभी मैंने पैसे निकलवाए, पीछे यहाँ पे एटीएम भी था। और अब इंडोनेशिया के एग्जिट स्टैम्प लगवाना है, उसके बाद चलते हैं तिमोर के बॉर्डर की तरफ। तो पूरा डिटेल मैं किस लोकेशन में हूँ, कहाँ नहीं हूँ, सबकी फ़ोटो मैं अभी मैप की फ़ोटो लगाती हूँ स्क्रीन पे। बट पहले एग्जिट स्टैम्प ले लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। यार जनाब यार सामने समुंदर है, बिल्कुल समुंदर के पास खड़े हैं हम। तिमोर लेस्ते देश का नाम है, तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते उस तरफ है, ईस्ट तिमोर भी बोलते हैं, और इंडोनेशिया इस तरफ है जनाब। इंडोनेशिया से एग्जिट स्टैम्प मिल गया, अब भगवान का नाम लेना है यार, हमें इधर का भी स्टैम्प लग जाए, वरना ऐसी तैसी हो जाएगी। तो देखते हैं क्या सीन रहता है और मैं आप लोगों को अपडेट करती हूँ। पहले चलते हैं उस तरफ। तो यार तिमोर लेस्ते में डॉलर चलते हैं, और कोई करेंसी नहीं चलती, तो यहाँ पर एक्सचेंज करा लें। 400, 455 डॉलर 30 Yes, $30. How much rupiah? Oh, 400. Rupiah here. 3, 400. Rupiah? 455. Right phone, please. Calculator. Yeah. Wait. You know for right? 55 ka? Oh, here. 1500. 1500. तो थोड़ी देर तक मैं बात करती हूँ, अभी पैसे चेंज करा रहे हैं यहाँ पे। ओला मतीने बात। और तिमोर लेस्ते भाई उस तरफ है, वीजा मिल रहा है अपने को। किटाले किटाले मिलाने में। शुक्र उसका। इंडिया। तो भाई वीजा लग गया था पासपोर्ट पे, बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑफिस में एंट्री हुई, सब ने बड़े हंस के बात करी। तो जब मैं काउंसुलेट गई थी, मुझे नहीं पता उन लोगों को क्या दिक्कत थी, लेकिन इधर किसी को दिक्कत नहीं आई, कोई भी आराम से वीज़ा दे दिया भाई $30 में मेरे को, एंड कोई परेशानी नहीं हुई। सीधी बात मैं ये बोलना चाहूँगी आप लोगों को, एंड स्वागत है आप लोगों का ईस्ट तिमोर में। तो वेलकम, एंड चलते हैं भाई दिल्ली की तरफ। अब दिल्ली महंगा बहुत है भाई, आप booking.com पे होटलों के प्राइस देखना। बट एनीवेज चलते हैं, फिर देखते हैं आगे का सीन क्या रहेगा। तो भाई यार इस बस में आए थे हम, एंड अभी चलने लगे हैं, क्योंकि चलने का टाइम हो रहा है, इसलिए बॉर्डर के पास पहुंच गए। मैं पूरी स्टोरी यार आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ, अभी बहुत बिजी हूँ यार और टेंशन बहुत है थोड़ी। तो यार पूरी स्टोरी मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ, अभी थोड़ा यहाँ पे सीन देखना है कैसे सारा हिसाब किताब है, और फिर मैं बताती हूँ। तिमोर लेस्ते हम पहुंच गए थे दिल्ली में, तो मैं आप लोग को सबसे पहले पूरी डिटेल्स फटाफट दूंगी, लेकिन उससे पहले एक अपडेट देती हूँ। तो कैश निकलवाने के लिए आ रखे थे, तो तिमोर लेस्ते में भाई आपको हर एटीएम काम नहीं करेगा, हर क्या 99% नहीं काम करते, सिर्फ 1% एक ही एटीएम काम करता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। तो जब आप लोग आओगे तो कन्फ्यूज़ मत होना, जो इंडिया के इंटरनेशनल कार्ड हैं वो वीज़ा कार्ड ही होने चाहिए, मास्टर कार्ड भी काम नहीं करेगा, और इसका भाई एटीएम काम करेगा सिर्फ सामने। तो ये भाई इन्फॉर्मेशन है, आई होप आप लोगों को काम आए अगर आप लोग आ रहे हो तो। और इसमें भी सिर्फ
आप लोग सामने देख सकते हैं, यही वाले कार्ड काम करते हैं जनाब, सिर्फ यही वाले। अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो वो काम नहीं करेगा, तो इस बात का ध्यान रखिए, डॉलर चेंज करके आइए। तो अगर आपके कार्ड में कोई दिक्कत भी आ जाए तो कोई और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो कैश का रिस्क मत लेना भाई यहाँ पे। तो यार मैं कल रात को दिल्ली आ गई थी, जैसा आप लोगों को बताया, तो एक फैमिली ने मुझे होस्ट करा है यहाँ पे, तो मैं उनकी इंट्रोडक्शन आप लोगों से कराती हूँ। कुछ लोग शाय हैं, वो कैमरा में नहीं आना चाहते, बट एक जनाब है तो उनसे आप लोग बात कर लीजिए। हाय उतारी हमने नारंग आलो अमी या कोलेगा तिरिस मिटे नारंग गरीमा नो कालंग इडा निया तोबा हेने तंबा फातिंग तिमोर निलडुंग हतेने इडे पुश ओइंग लोरंग अतुला लीमा गा अतु लोर निया बा या होटल फरोल। यार थैंक यू सो मच। तो यार भाई ये लोग मुझे कल एटीएम भी लेके गए थे एंड बहुत मदद करी, इंडियन रेस्टोरेंट भी लेके गए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, योर नेम? माय नेम इज हेनरी, आई एम फ्रॉम इंडोनेशिया, मे बी आई हैव मैरिड इन पीपल टिमोर, या बट नाउ आई स्टे हियर। तो भाई इनकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शी इज फ्रॉम इंडोनेशिया, सुम्बा आइलैंड, बट इनकी शादी भाई यहाँ पे दिल्ली में हो रखी है, तो मैरिज के बाद शी मूव्ड हियर। माय हस्बैंड इज ड्राइवर Timor Tor, yeah. Indonesian Timor Este border, yeah. 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 The border. Thank for... you. Yeah. Go. Hello, Fanny. Hi, hi. Hello. How are you? I'm very good. So she speaks perfect English. So she is the translator between all of us all the time. But actually, they both also speak very good English. They understand. Yeah. So, how are you? Good. I'm very good. Would you like to say something? Garima, keep do your work. Thank you, thank you. And I hope ki kisi din in logo ko bhai India mein mile. Would you like to come India? Maybe sometimes I have money. Oh, I'll take you next time. Okay. Yeah. To bhai sahi. तो यार मैं बैग पैक कर रही थी तो आंटी ने मुझे भाई गिफ्ट प्रेजेंट करा तिमोर लेस्ते का, सो यार So name? Selendang. Selendang. Thais Timor. Yeah. Thais Timor Leste. यहाँ पे पूरा सिंबल बना हुआ है. Yeah. Timor Leste लिखा हुआ है पीछे. बाती बंदेरा. तो या बहुत बहुत शुक्रिया भाई इनका. तो ये मुझे गिफ्ट मिला यहाँ से. Thank you. Yeah. मैं आप लोगों को पूरी डिटेल देती हूँ कि मैंने बॉर्डर क्रॉस करा है इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते का और क्या सीन था एंड वीज़ा के बारे में बताती हूँ। तो इंडियंस के लिए यार वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है, बट ऑनलाइन अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन ऑथराइजेशन का लेटर चाहिए काउंसुलेट या तिमोर लेस्ते की किसी एम्बेसी से। तो वो इंडोनेशिया में तीन जगह आप पा सकते हैं, जकार्ता, बाली और कुपांग में, जो जिस जगह से मेरा सफ़र शुरू हो रहा था। लेकिन अब जब मेरे को ना यार ये लेटर जो चाहिए ये मेरे को बाली में मैं गई बहुत बार काउंसुलेट, वहाँ पे भाई जनाब एम्बेसडर जो भी बंदा ऑफिसर है वो होता ही नहीं था काम पे। तो बाली में मैं दो तीन बार गई, मेरे को मिला नहीं है लेटर। कुपांग में मैं आई, उन्होंने मना कर दिया, कहते हम नहीं देंगे, और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि मैं बिना इसके बॉर्डर क्रॉस कर सकती हूँ, कि ऑनलाइन गलत इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल नहीं अच्छे से कोऑपरेट करा। तो मैं रिस्क लेके बॉर्डर पे आ गई एंड बॉर्डर पे थैंक गॉड यार उन्होंने मेरे से कोई डॉक्यूमेंट कोई कागज़ कुछ नहीं मांगे, सिर्फ उन्होंने बोला ओके वीज़ा ऑन अराइवल आप ये फिल कर दीजिए एप्लीकेशन और $30 फीस है वीज़ा की, $30 दीजिए एंड आप जा सकते हैं तिमोर लेस्ते। कुछ एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे, दैट्स इट। और या ऐसे हम तिमोर लेस्ते आ गए, बट यार इसकी कोई मैं श्योरिटी नहीं दे रही कि आप इस ऑथराइजेशन लेटर के बिना आ जाइए, क्या पता किसी और दिन कोई थोड़ा गुस्से वाला ऑफिसर हो बॉर्डर पे एंड वो मांग ले आप लोगों से ये लेटर, टाइम का पता नहीं चलता। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो ऑनलाइन अवेलेबल है, एंड एम्बेसी वालों ने कुछ नहीं बताया मुझे बेसिकली, बट एनीवेज ये इन्फॉर्मेशन थी। आप कुपांग से बस लेके आएंगे अतम्बुआ बॉर्डर तक की, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, वहाँ पे $30 देंगे, इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है, आप लोग वीज़ा लेंगे एंड बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। फ्लाइट दिल्ली तक की बहुत महंगी है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप कुपांग तक पहुँचिए एंड उसके बाद लैंड बॉर्डर से अपनी जर्नी शुरू करिए। तो भाई
फाइनली पहुंचे हम तिमोर लेस्ते। स्वागत है आपका नवे देश में, बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत महंगा देश है भाई ये। छोटा सा रूम है भाई नॉर्मल, ये आया $20 का और गजब कुछ नहीं कर सकते हैं एंड सही सब। और यहाँ पे होटल स्टार्टिंग प्राइस $20-25 है। एक दो हॉस्टल भी हैं लेकिन वो भी बंद पड़े हैं, मैं गई थी। अगर आपके आते आते जब तक आप लोग आएंगे यहाँ पे वो हॉस्टल खुल जाएं तो क्या पता $10 में मिल जाएं, किस्मत अच्छी होगी तो। वो भी इतनी अच्छी जगह नहीं, नॉर्मल वेरी बेसिक, बट अभी वो लोग बिजनेस नहीं चला रहे, बंद पड़े हैं। तो यहाँ पे होटल वगैरह बहुत एक्सपेंसिव हैं, 20, 30, 40, 50, $60। $20 से कम कुछ नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। तो एनीवेज जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ पे छोटा सा ही देश है, ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा घूमने में। रुकेंगे 1 हफ्ता 10 दिन और फिर वापस इंडोनेशिया चलेंगे और अपने दूसरे एडवेंचर को कंटिन्यू करेंगे। तो यार भगवान की कृपा, सब अच्छा जा रहा है। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का वीडियो देखने के लिए। यार प्लीज़ इस वीडियोज़ देखिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए, बहुत मदद मिलती है। क्योंकि ये जो ये वाला देश और अगला देश भी आएगा वो बहुत महंगे देश हैं, तो अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो उससे फटाफट जर्नी ख़त्म होएगी अच्छे से एंड कोई दिक्कत नहीं आएगी जर्नी में। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, इंग्लिश चैनल पे भी फॉलो कर देना। तो या